निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर शुक्रवार को अचानक हंगामा मच गया। एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में एक फोन आया कि एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग में अलग अलग जगह पर बम रखा हुआ है। विस्फोटक की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई और तुरंत ही पूरे क्षेत्र को खाली कराने के साथ ही विस्फोटक की तलाश शुरू कर दी गई। लेकिन ठहरिए, आप घबराएं नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट पर हंगामे की वजह थी बम थ्रेट। ये बम थ्रेट कॉल किशनगढ़ एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल थी। इस मॉक ड्रिल की सूचना को गुप्त रखा गया था। अजमेर रेंज के आईजी संजीव कुमार, एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सिंह सहित पुलिस के आला अधिकारी इस थ्रेट के बाद एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट अथॉरिटी के अशोक कपूर के नेतृत्व में बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया और टर्मिनल एरिया में एक लावारिस बैग को ढूंढ निकाला। बैग मिलते ही तुरंत ही बम निरोधक दस्ते ने बैग की जांच की और विस्फोटक पदार्थ की पुष्टि होने पर पूरी एयरपोर्ट बिल्डिंग को खाली करवा दिया। बम निरोधक दस्ते के सदस्यों ने SLCV के विशेष कंटेनर में इस विस्फोटक को डाल एयरपोर्ट से बाहर ले जाकर निष्क्रिय किया। ये मॉक ड्रिल दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक की गई। आपको एक बार फिर बता दें कि ये बम थ्रेट कॉल किशनगढ़ एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल थी। इस मॉक ड्रिल में राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, ATS और अन्य एजेंसियां भी एयरपोर्ट पर समय पर मौजूद रही। आज देखिए, बेसिकली जो BCS के नॉर्म्स के अनुसार एक एक्सरसाइज करनी होती है। हमारे को टर्मिनल में सूचना मिली थी कि आपके टर्मिनल भवन के अंदर बम है, मल्टीपल बम बोला था उसने कि ऐसे अलग अलग जगह पे बम रखे हुए हैं। तो जो हमारी SOP होती है, उसी तरीके से तुरंत मैंने ATC को, हमारे जो ATC कंट्रोलर्स होते हैं, उनको फ़ोन किया। उनके पास एक SOP है कि सारी जितनी भी एजेंसीज हैं हमारी लोकल, उन सबको बताना है, SDRF को, सिविल डिफेंस को, नगर परिषद को, हमारे जो स्टेट पुलिस किशनगढ़ को और BDDS की टीम को, ये सारी की सारी टीमों को तुरंत इमीजिएटली बता के हमारे जितने भी HODs, जो हमारी लोकल RAC की टीम है कंप्लीट, उनको भी साथ साथ पैरेलल दो ऑफिसर्स होते हैं, वो सबको इन्फॉर्म करते हैं। हमारे जितने HODs हैं, फायर की जो हमारी लोकल, हमारी जो खुद की फायर की टीम है, एम्बुलेंस है, जो उन्होंने तो सबसे पहले हमारा RAC ने और जो लोकल जो हमारा फायर स्टाफ है, उन्होंने पोजिशन ली। RAC की टीम ने पूरा बिल्डिंग को खाली कराई इमीजिएटली, सारा स्टाफ को बाहर करके, सारा जितने भी थे पैसेंजर्स थे या जो भी लोग थे यहाँ पे, सबको बाहर किया। उसके बाद जो जिस एरिया में उन्होंने बोला था, उस एरिया को सेग्रीगेट किया। सेग्रीगेट करके क्यू मैनर से सेग्रीगेट किया। उसके बाद इस पूरी एक्सरसाइज को स्टार्ट किया हमने। पूरे जितना भी स्टाफ आया सिविल डिफेंस का, जो भी कैजुअलिटीज उसमें थी, उसको प्रॉपर तरीके से जो प्रोसीजर था, उस प्रोसीजर्स के द्वारा करके हमने उसको हॉस्पिटल करा। और बम को, बॉम स्क्वाड टीम थी, उनके जो डॉग स्क्वाड टीम आई थी, उनके द्वारा बॉम को आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको कूलिंग पिट तक ट्रांसपोर्ट किया, जो इनका नियमानुसार होता है, जिस तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको ट्रांसपोर्ट। 3 बजे हमें सूचना मिली थी कि एक बॉम है यहाँ पर पुलिस कंट्रोल से, और उसके तुरंत बाद हम एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे। और ये इंश्योर करते हुए कि बाकी जो भी संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि मेडिकल हो गया, फायर हो गया, वो भी यहाँ पर पहुँच जाए। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद, जो कि चाहे मॉक ड्रिल हो या एक्चुअल सिचुएशन हो, मेन फोकस ये होता है कि सारे विभाग जो है, जो भी उनका दायित्व होता है ऐसे सिचुएशन में, उसको एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से करें, उसको इंश्योर करना। तो वो हमने यहाँ पे इंश्योर करा। एयरपोर्ट अथॉरिटी से सूचना मिली कि जो एयरपोर्ट के इंटरनल एरिया है, उसके अंदर बॉम्ब रखा हुआ है। सूचना मिलते ही मैंने कंट्रोल को फ़ोन कर दिया। तक कंट्रोल के थ्रू हमने सभी डिपार्टमेंट्स को, मेडिकल और SDRF से सभी डिपार्टमेंट्स को सूचना दी और अपने सीनियर अधिकारियों को सूचना दी इसके बारे में, ताकि जो है वो अपने समय पे पहुंच सकें। और हमने बाहर भी जाप्ता जो है, एयरपोर्ट के बाहर जाप्ता डेप्यूट किया, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर हो तो उसको हैंडल किया जा सके। और ट्रैफिक क्लियर करवाने के लिए भी ट्रैफिक इंचार्ज को इन्फॉर्म किया गया। टोल को जो है से आवागमन सही तरीके से वहाँ के रिलेटेड SHO को इसके बारे में बताया गया। किस तरह से डिफ्यूज किया गया बम को, जो बम बुलाया, ये प्रक्रिया जो है BDS के थ्रू किया गया है। ये उनका ही कर्तव्य था, तो सभी डिपार्टमेंट्स ने जो जो जिनका जो ड्यूटी थी, उन्होंने वो ड्यूटी निभाई।